फर्टिगेशन की बात करें, हम जब भी पानी दे रहे हैं इंडस्ट्री में, इरिगेट कर रहे हैं, उसके साथ फर्टिलाइजर जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको फर्टिगेशन बोल रहे हैं। दूसरी बात कि हमें फर्टिगेशन की ज़रूरत क्यों है, ये टर्म अगर आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि सीड कैरीज इट्स ओन फूड, राइट, जो बीज है वो अपना खाना खुद लेके आता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। इतना सीड में इतना स्टोरेज है फूड का कि जो भी प्लांट है वो 2 कॉटिलेडन लीव अपने लिए बना सकता है। तो इस तरह से अगर जब भी फर्स्ट टू लीफ प्लांट की निकल रही है तो फर्स्ट टू लीफ निकलने के बाद प्लांट को, या फर्स्ट टू लीफ निकलने के लिए प्लांट के पास फूड नहीं है, या कह सकते हैं न्यूट्रिशन नहीं है। तो इसको देखा जाए तो जैसे ही हम प्लांट में फर्स्ट टू लीफ का इनिशिएशन देखते हैं, इनिशिएशन, उस स्टेज से हमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हों जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम या और भी कई, या फिर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों। तो प्लांट ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। इसके बाद अब फर्टिगेशन की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें कई टर्म्स यूज़ करेंगे, उसमें से सबसे पहला टर्म है ईसी। तो जब भी हम ईसी को रेफ़र करेंगे तो हम उससे क्या समझेंगे? जब भी हम सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट को पानी में घोलने की बात करते हैं, तो जैसे ही हम सॉल्ट को पानी में घोलते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl है अगर, तो वो आयंस में स्प्लिट हो जाता है, आयंस में स्प्लिट हो जाता है, तो वो एक अच्छा कंडक्टर का की तरह काम करता है। उसमें आयंस प्रेजेंट है, वो अच्छी कंडक्टिविटी, तो हम जैसे जैसे सॉल्ट बढ़ाते जा रहे हैं किसी भी सोल्यूशन का, तो हम उसकी कंडक्टिविटी एक तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं। अगर इस तरीके से समझें, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जैसे जैसे हम सॉल्ट घूलते चले जाएंगे पानी में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है, बहाव है उस सॉल्यूशन से, वो बढ़ता चला जाएगा। तो जब भी हम बात करेंगे कि किसी सॉल्यूशन का ईसी 0.2 है, एक सॉल्यूशन का ईसी 1 है, तो 0.2 से अगर हम 1 जा रहे हैं तो हमें ये समझना है कि उसमें सॉल्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम ये बात नहीं करेंगे कौन सा सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है वो ईसी को बढ़ाता है। किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्ट, कोई भी नमक प्रेजेंट है वो ईसी को बढ़ाएगा, चाहे वो कैल्शियम नाइट्रेट हो, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो, सोडियम क्लोराइड हो, कोई भी सॉल्ट हो, वो ऐड होता जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात आती है कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं ईसी को। तो लैब में इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम फील्ड की बात करते हैं तो जो भी मीटर्स हैं वो पोर्टेबल हो तो हमारे लिए इजी है, तो इस तरीके के पोर्टेबल मीटर्स हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पीएच की। पीएच को मापने के लिए इस तरीके की स्ट्रिप्स या टेबल्स आते हैं। इस टेबल को रेफर करके हम किसी स्ट्रिप से पीएच को नाप सकते हैं, वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। तो जब भी हम पीएच की बात करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम 6 की बात कर रहे हैं तो हम एसिडिक की तरफ जा रहे हैं, और अगर 7-8 की बात कर रहे हैं तो हम एल्कलाइन की तरफ आ रहे हैं। तो फर्टिलाइजर सॉल्यूशन की आगे हम बात करेंगे तो इस तरीके से उसको पीएच को रिलेट करेंगे। सिमिलरली पीएच को इस तरीके के मीटर्स से मेजर कर सकते हैं, या फिर पोर्टेबल मीटर्स से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद पीएच पे आए हम, तो पीएच का क्या रिलेवेंस है भाई फर्टिलाइजर सॉल्यूशन में, या हमारे सबस्ट्रेट का जो पीएच है उसका क्या रिलेवेंस है प्लांट के लिए? जो भी फर्टिलाइजर का सॉल्यूशन या सबस्ट्रेट का सॉल्यूशन है वो सीधे सीधे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को दर्शाता है। इस टेबल से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की बात करें तो चाहे पीएच 4.5 हो एसिडिक, या फिर पीएच 7.5 हो जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, दोनों कंडीशन में नाइट्रोजन का जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है प्लांट के लिए, वो बराबर है। तो पीएच का कोई भी इफेक्ट नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी पे प्लांट में नहीं पड़ता है। फॉस्फोरस की बात करें तो कहीं भी पीएच 6.5 के नीचे जाना शुरू होता है तो फॉस्फोरस का अवेलेबिलिटी प्लांट को बढ़ता चला जाता है। अब हम अवेलेबिलिटी का बात करेंगे तो हम ये मान रहे हैं कि ये सब न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स
फर्टिलाइजर सॉल्यूशन में अवेलेबल है, राइट। बट अगर ये पीएच इनके डिफर हो रहा है सॉल्यूशन का, तभी ये अवेलेबल है या नहीं है, या ज़्यादा है या कम है। पोटेशियम की बात करें तो वो सभी पीएच पे बराबर अवेलेबल है। इसी तरह सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम देख सकते हैं, मॉलिब्डेनम हो, बोरोन हो, कॉपर हो, जिंक हो, मैंगनीज हो, आयरन हो, सल्फर हो। तो पीएच का बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में। अगर फर्टिलाइजर सॉल्यूशन में हमारे सब न्यूट्रिएंट्स हैं बट पीएच उसका सही नहीं है, तो शायद वो एक वेस्टेज है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर सॉल्यूशन में होते हुए भी प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पीएच जो है सॉल्युबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, कि कैसे किस पीएच पे ज़्यादा सॉल्युबल होंगे न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम एक मेजरेबल चीज़ की जो बात करेंगे फर्टिलाइजर वाटर में, वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट नाइट्रोजन का सबसे आसानी से प्लांट को अवेलेबल होने वाला फॉर्म है। इस तरीके के स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिससे हम कितना नाइट्रेट है फर्टिलाइजर वाटर में, या जिस पानी से हम फर्टिगेट कर रहे हैं उसमें कितना नाइट्रेट है, कितने ppm या कितने mg पर लीटर नाइट्रेट है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तीन हमने अभी तक टर्म्स डिस्कस करी, EC, pH और अब हम नाइट्रेट पे आ रहे हैं। तो नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन का एक फॉर्म है। जब भी नाइट्रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि वो सॉल्ट है, तो हम उसको जब भी इंक्रीज करेंगे पानी में, प्रोपोर्शनेटली EC भी इंक्रीज होगा, राइट। तो EC और नाइट्रेट को इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। ये क्लोजअप है नाइट्रेट किट का। जैसे पीएच स्ट्रिप कई लोगों ने देखा होगा शायद, अगर वो कलर बदलती है, उसके कलर के बेसिस पे हम पीएच टेबल्स के रेफरेंस से बता सकते हैं कि क्या पीएच है किसी भी सॉल्यूशन का। सेम इसी तरीके से इन पीएच स्ट्रिप्स में भी दो स्ट्रिप्स होती हैं, जो जब हम सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं तो वो अपने कलर को अकॉर्डिंगली चेंज करती है। ये स्ट्रिप नाइट्राइट भी शो करती है और नाइट्रेट भी शो करती है। नाइट्राइट जो फॉर्म है, जनरली नाइट्रेट जो प्रेजेंट है फर्टिलाइजर सॉल्यूशन में, वो एनारोबिक कंडीशंस की वजह से नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, राइट। इट लूजेज वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। बट इसमें ध्यान रखने की बात ये रहेगी कि जो नाइट्राइट है वो एक टॉक्सिक फॉर्म है नाइट्रोजन का, राइट। अगर वो कभी भी हमारे सबस्ट्रेट में या फर्टिलाइजर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो कई तरह से हमारे जो प्लांट है उसके रूट सिस्टम को डैमेज कर रहा है, प्लांट को डैमेज कर रहा है। उसके अलावा सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें, तो ओवर इरिगेशन की वजह से जब भी वाटर लॉगिंग कंडीशन सबस्ट्रेट में रहेगी, जो नाइट्रेट है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। तो इसके रेफरेंस से हम देख सकते हैं कि जो भी हमने फर्टिलाइजर सॉल्यूशन बनाया है उसमें किस मात्रा में नाइट्रेट अवेलेबल है। अगर हमने एक फर्टिलाइजर सॉल्यूशन बनाया है जिसका कलर ये शो कर रहा है, तो इस केस में उस स्ट्रेंथ सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ जो है वो 50 ppm है। तो EC, pH और नाइट्रेट की हमने बात करी, तो इनकी क्या वैल्यूज हैं या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, अब हम इनकी बात करेंगे। तो हम नाइट्रेट और पीएच की बात करते हैं। ईसी सभी सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग हो सकता है। 19-19-19 को अगर मैं 1 ग्राम को 10 लीटर पानी में घोलूं, तो शायद जो नाइट्रेट आए और जो ईसी आए वो अलग हो, कंपेयर टू जितना नाइट्रेट उसमें है उसके हिसाब से ईसी ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें और भी कई सॉल्ट्स हैं। वहीं कोई और फर्टिलाइजर मैं घोलूँ तो उसमें, तो ईसी और नाइट्रेट का रिलेशन हमें अपने अपने लेवल पे अपने फर्टिलाइजर्स के लिए देखना पड़ेगा। हम जो बात करेंगे वो नाइट्रेट की करेंगे, पीएच की भी करेंगे, और उसको कई काफ़ी हद तक ईसी से भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे। बट ईसी और पीएच का रिलेशन एक साथ नहीं चलेगा, सभी फर्टिलाइजर्स के लिए वो अलग अलग हो सकता है। मे बी अगर मैं 17-29 फर्टिलाइजर ग्रेड की बात करूँ, तो उसमें अगर पीएच 0.5 होता है तो नाइट्रेट 200 ppm होता है। वहीं 19-19-19 की बात करूं तो उसमें ईसी 1 होता है, तब नाइट्रेट जो है वो 250 ppm होता है। तो ये सब फर्टिलाइजर्स के लिए अलग अलग होगा। इसका रीज़न यही है कि नाइट्रेट सभी फर्टिलाइजर्स में सिर्फ नाइट्रेट नहीं, और भी कई सॉल्ट्स हैं, और सारे सॉल्ट्स ईसी को बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक नाइट्रेट ऐसा सॉल्ट नहीं है जो ईसी को बढ़ा रहे। तो ईसी की वैल्यू हम जब भी देखेंगे तो वो कंट्रीब्यूशन होगा सभी सॉल्ट्स का,
तो एक ऑप्टिमम पीएच की अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए, तो कहीं भी 5.5 से 6.5 फर्टिगेशन सॉल्यूशन का पीएच होना चाहिए। अगर इस पीएच के वाटर को या फर्टिलाइजर सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसमें अवेलेबल हैं उनका अपटेक प्लांट में बहुत ही अच्छे तरह से होगा। ईसी का क्या अपर लिमिट होना चाहिए? अब जब हम फर्टिलाइजर अपने पानी में मिला दे रहे हैं तो उसके बाद क्या लिमिट हो ईसी का, कि इससे ऊपर ईसी जो है हमारा नहीं जाना चाहिए, तो ये सबके लिए अलग अलग होगा, राइट। अगर मैं अपनी इस यूनिट की गुमची की बात करूँ, यहाँ का अगर ईसी प्लेन वाटर का फॉर एग्जाम्पल 0.6 है, राइट, तो मेरे लिए अपर लिमिट जो है वो करीब, मैं अगर चाहूँ कि 25 दिन का मेरा पौधा है तो मैं 50 से 75 ppm उसमें नाइट्रेट सप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं कहीं भी कहीं वो अगर मैंने कैलकुलेट किया है तो 50 से 70 ppm जो नाइट्रेट है वो कहीं 0.5 ec को बढ़ाता है, तो मेरे लिए लिमिट 0.6 जो मेरे प्लेन वाटर का ec है प्लस 0.5, तो 1.1 मेरे लिए लिमिट होगा। वहीं अगर कोई आप में से बोलता है कि हमारे यहाँ जो पानी है उसका ईसी प्लेन वाटर का ईसी ही 2 है, तो आपके लिए प्लेन वाटर में फर्टिलाइजर सॉल्यूशन ऐड करने का जो लिमिट है वो कम है आपके पास, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट का वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, तो मे बी आप सिर्फ 0.2 या 0.3 ही कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए उसमें। तो इसको हम देखेंगे कैसे हम अलग अलग कंडीशन में अपना फर्टिगेशन शेड्यूल या ईसी की मात्रा हर एक केस में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इरिगेशन का जो शेड्यूल है उसको स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। जनरली अगर 25 या उससे कम दिन की कोई भी नर्सरी है उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि मंथली जो ईसी हमारे सबस्ट्रेट का आए, राइट, जो हमारा प्लांट जो स्टैंडिंग है वो सबस्ट्रेट में है। कभी भी हम सबस्ट्रेट को अगर निचोड़ कर उसका ईसी देखें तो कभी भी 2.5 से ज़्यादा एट अ स्ट्रेच ऑफ टाइम नहीं रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बहुत समय तक ईसी रहेगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्लांट ग्रोथ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, जब हाई ईसी मतलब कि हम हाई सॉल्ट लेवल जब अप्लाई करें। नाइट्रेट की बात करें तो 11 to 56 mg पर लीटर से के बीच में हमें नाइट्रेट के लेवल्स को रखना चाहिए। उसको देखें तो कहीं भी 50 से 100 ppm हम उसको मान सकते हैं, राइट। 50 से 100 ppm हमने अगर फर्टिलाइजर सॉल्यूशन बनाया है तो कहीं भी उसका जो कलर है 50 या 100 ppm के बीच में आना चाहिए, जो शेड है पिंक का, राइट, नाइट्रेट किट पर। अब ये डिपेंड करेगा कि हम किस सीजन में फर्टिगेशन कर रहे हैं, राइट। अगर हम समर्स में फर्टिगेट कर रहे हैं तो शायद हम 2 से 3 बार फर्टिगेशन करें, तो वो पर इरिगेशन जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो। विंटर्स में हम 4 दिन का फर्टिगेशन 1 दिन देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4 दिन तक हमारा जो नर्सरी है वो ड्राई मीडिया नहीं हो पाएगा, तो आप उसको वापस नहीं इरिगेट कर पाएंगे। तो इस केस में शायद 4 दिन का हमें एक साथ हम नाइट्रेट अप्लाई करना चाहेंगे, तो इस केस में शायद हम 100 ppm आज इरिगेट मैं कर दूँ 100 ppm से, और वो 4 दिन तक मैं उसे इरिगेट ना करूँ। वहीं अगर समर्स हैं तो मैं 50 ppm को भी 2 हिस्सों में बांट के 25-25 ppm दिन में 2 बार इरिगेट करूँ। अगर हम वेजिटेबल नर्सरी की बात करें तो कहीं भी 25 दिन तक का नर्सरी हो तो हमें 50 से 75 ppm तक का नाइट्रेट इज अ लिमिट। वेयर एज नर्सरी स्टेज में हम वेजिटेबल्स की बात करें तो जो अपटेक है वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं भी 50 से 100 ppm के बीच में वो होना चाहिए, राइट। अगर 25 दिन तक की नर्सरी है तो शायद 50 से 75 ppm ही हो, और अगर 25 दिन से बढ़ती जाए नर्सरी बड़ी हो तो वो 100 ppm तक भी उसमें जा सकते हैं। अब ये जो हम 50 से 75 ppm की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है अगर पहले दिन वो नर्सरी ग्रीन हाउस में निकली है तो पहले दिन से ही हम उसको 50 ppm से फर्टिगेट करें, राइट। जब तक उसमें फर्स्ट ट्रू लीफ नहीं निकला है तब तक हम उसको फर्टिगेट नहीं करेंगे, और ये जो नाइट्रेट के लेवल्स हैं इसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। अब इसको इस तरह समझे तो जैसे कोई भी नर्सरी है आज डे 1 में मैंने उसको जर्मिनेशन रूम से बाहर ग्रीन हाउस में निकाला है
तो करीब 3 दिन में मैं मान रही हूँ कि वो पौधा ऊपर आया है कॉटलिडन लीफ के साथ, और 5वें से 7वें दिन में उसमें वो प्लांट स्टैंडिंग हो गया और उसमें फर्स्ट ट्रू लीफ इनिशिएट होने लग गई है। तो शायद मैं अगले 5 दिन तक उसको 10-20 ppm से स्टार्ट करके नाइट्रेट अप्लाई करूँगी। उसके बाद जैसे जैसे उसका एज इंक्रीज होता जाएगा, मैं उसको डोजेज को प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर करके, सो 75 ppm विल बी लिमिट, है ना। शायद 20 से 25 दिन की वो नर्सरी हो तो मैक्सिमम मुझे जो अप्लाई करना है वो 75 ppm नाइट्रेट है। ये सीजन्स के साथ चेंज होगा। अगर समर्स की बात करेंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ इरीगेशन ज़्यादा होंगे, और जो भी हम इरीगेशन देंगे उसमें जितना भी सॉल्ट है वो जल्दी जो प्लांट का सब्सट्रेट है वो जल्दी सूख जाएगा, तो प्लांट के पास ज़्यादा अपटेक का टाइम नहीं रहेगा। अगर समर्स की मैं बात करूँ तो 11 बजे अगर मैंने फर्टिगेशन किया है तो शायद वो 12:30 बजे तक या 1-1.5 बजे तक मीडिया जो है वो ड्राई आउट हो जाए। तो अगर मैं एक बार में ज़्यादा सॉल्ट दूंगी तो वो एज अ रेसिड्यू जमा होता चला जाएगा, क्योंकि प्लांट 1.5 घंटे में 200 ppm या 100 ppm फर्टिलाइजर नहीं उठा पाएगा। तो समर्स में मुझे जो डोजेज है शायद उसको 3 इरिगेशन में बांटना पड़े। अगर मैंने टारगेट किया है कि 75 ppm मुझे उसको देना है तो शायद मैं 20-25-20 करके इस तरीके से 3 इरिगेशन अगर कर रही हूँ तो स्लोली स्लोली उस फर्टिलाइजर को दूँ, एक साथ पूरा ना देकर। विंटर्स की बात करें तो इवेपोरेशन कम होगा, कम इरिगेशन होंगे, तो फर्टिलाइजर या सॉल्ट जो प्लांट को मिलेगा वो कम होगा। तो हम पर इरिगेशन कोशिश करेंगे कि जो सॉल्ट अप्लाई करें वो ज़्यादा अप्लाई करें, क्योंकि जो सॉल्ट मैं आज अप्लाई करूँगी वो अगले 4-5 डेज के लिए उसके लिए फूड है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक दिन अगर मैं 5 दिन तक इरिगेशन नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उसको 250 या 300 ppm इतना हाई नाइट्रेट दे दूँ, वो एज अ रिजल्ट टॉक्सिसिटी करेगा प्लांट में। जितना भी नाइट्रेट है वो नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीडिया सूख नहीं पाएगा तो एनरोबिक कंडीशंस क्रिएट होंगी मीडिया में। तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी नहीं लेंगे उसको, उसको उसका लिमिट हम 100-150 रख सकते हैं, कि अगर हर 5 दिन में मैं एक बार इरीगेट कर रही हूँ तो शायद 150 ppm जो है वो लिमिट है विंटर्स के लिए। सेम रेनी सीजन में भी यही सिचुएशन होगी कि नंबर ऑफ इरीगेशन जो है वो कम होंगे, क्योंकि मीडिया क्लाइमेट ह्यूमिड होने की वजह से ड्राई आउट नहीं होगा। ये जो पूरा प्रिंसिपल है हम ये डेली फर्टिगेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम प्लांट ग्रो डेली कर रहा है। जो प्लांट ग्रो डेली कर रहा है तो हमें उसको रोज़ के रोज़ खाना देना है इन फॉर्म ऑफ फर्टिगेशन। अपने आप से हम रिलेट करें तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं आज ज़्यादा खाना खा लूँ तो अगले 3 दिन तक ना खाऊँ। जो ग्रोथ है या जो फिजियोलॉजी है प्लांट की, जो भी बायोकेमिकल पाथवेज रन कर रहे हैं प्लांट में, वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो जो भी हम न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करेंगे वो डेली बेसिस पे रहेंगे। ECPH मीटर्स जो भी हम यूज़ करेंगे वो वेल कैलिब्रेटेड होने चाहिए। उसमें करीब जब भी हम 20 रीडिंग ले लें शायद उसके बाद हमें उसको कैलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो 20 रीडिंग हम, अगर नंबर ऑफ रीडिंग्स कम है तो अगर वो 20 रीडिंग हम 4 महीने में एक बार ले रहे हैं तो 1 in 4 months हम उसको कैलिब्रेट करें, या अगर हम हर रोज़ 20 रीडिंग ले रहे हैं तो मे बी हमें रोज़ उसको कैलिब्रेट करना पड़े। तो एटलीस्ट 20 रीडिंग्स के बाद हमें उसको कैलिब्रेट, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें कैलिब्रेट करने की जरूरत। जो भी कैलिब्रेशन है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कर सकते हैं, इसके कई मेथड्स हो सकते हैं। इस तरीके के कैलिब्रेशन सोल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें ऑलरेडी मेंशनड है कि उनका कंडक्टिविटी कितना है। जब हम मीटर्स को अपने इनमें डिप करेंगे तो ये नॉन ईसी का सोल्यूशन है, तो कई सब इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग हो सकता है। कुछ ईसी मीटर्स के ऊपर स्क्रू रहता है तो हम उसको डिप करेंगे अगर 1.4 की स्ट्रेंथ के सोल्यूशन में, और अगर वो 2 दिखा रहा है तो स्क्रू से उसको एडजस्ट करके हम 1.4 पे लाएंगे। तो सभी मीटर्स के लिए वो कैलिब्रेशन प्रोसेस उनके साथ आता है, तो उसको हम रेफर करके कैलिब्रेट उनको कर सकते हैं। पीएच की बात करें तो पीएच के लिए सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। जनरली अगर हम पीएच मीटर्स जो हैं वो 3 पॉइंट कैलिब्रेट होते हैं, राइट।
एक एसिडिक सॉल्यूशन से, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन से और एक अल्कलाइन सॉल्यूशन से। तो पीएच मीटर्स में 3 पॉइंट कैलिब्रेशन रिकमेंडेड होता है, या तो जैसे ईसी मीटर्स के लिए सॉल्यूशन है, इसी तरह नोन वैल्यू के सॉल्यूशंस पीएच मीटर के लिए भी अवेलेबल हैं, उनसे हम कैलिब्रेट कर सकते हैं। नहीं तो इस तरीके के कैप्सूल्स आते हैं जिनमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहेगा कि हम इसको 100 या 150 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये इतने पीएच का सॉल्यूशन, इतनी पीएच का सॉल्यूशन जो है हमें मिलेगा, तो उससे हम कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो कोई भी फर्टिलाइजर हम चूज करें तो उसके लिए क्या क्या रेशियोज रिकमेंडेड हैं या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर नर्सरी वेजिटेबल नर्सरी की बात करें, ब्रिंजल, टोमेटो, चिली, कैप्सिकम, मस्कमेलन और कुकुरबिट्स जितने भी हैं उनकी बात करें तो 2:1:3 का जो रेशियो है एनपीके का, इट इज़ अ रिकमेंडेड रेशियो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस में 2% एमजी शुड बी अवेलेबल टू प्लांट्स। उसके बाद नाइट्रोजन के कॉम्पोजिशन की बात करें, नाइट्रोजन एक मेजर रोल प्ले करता है इनिशियल स्टेज में नर्सरी डेवलपमेंट के। अमोनियम जो है जितना कम हो उतना अच्छा है फर्टिलाइजर में, ग्रीन हाउस ग्रेड के फर्टिलाइजर में कहीं भी 30-35% से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। अमाइड शुड नॉट बी प्रेजेंट इन ग्रीन हाउस ग्रेड फर्टिलाइजर। तो किसी भी रेसिपी के थ्रू अगर हम ये रेशियो बनाएं, राइट, तो और ये इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो इट कैन बी अ गुड फर्टिलाइजर फॉर यूज इन नर्सरी। तो जितने भी हमने फर्टिलाइजर का जो भी कॉम्पोजिशन अभी देखा, या तो एक हमारे पास चॉइस है कि हम सीधे उसी कॉम्पोजिशन के 2:1:3 रेशियो में फर्टिलाइजर्स को परचेज करें जो ग्रीन हाउस ग्रेड फर्टिलाइजर्स हैं, बट काफ़ी कॉस्टली हैं ये फर्टिलाइजर्स, कहीं भी 100 से 120 और इवन हाइयर कॉस्ट पर केजी ये अवेलेबल है मार्केट में। अगर ग्रीन हाउस ग्रेड फर्टिलाइजर्स हम नहीं यूज करना चाहते तो कुछ कॉमनली यूज फर्टिलाइजर, जो कॉमनली अवेलेबल फर्टिलाइजर्स हैं, रेडिली अवेलेबल फर्टिलाइजर्स हैं, उनको यूज करके भी हम 2:1:3 का रेशियो जो है वो बना सकते हैं। तो इन फर्टिलाइजर्स को यूज करके, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसको वर्कआउट किया है हमने कि पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, मोनोमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट और कॉम्बी 2 जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें, इनको यूज कर भी हम 2:1:3 का रेशियो प्लस ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और Mg को जितना रिकमेंडेड है उसको सप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स में, राइट। तो अगर हम ग्रीन हाउस फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले से हम एक अपने लिए 2:1:3 रेशियो का फर्टिलाइजर ग्रीन हाउस के लिए बना सकते हैं। इसमें रफली 1.98, रफली इट इज 2:1:3 रेशियो ऑफ NPK जो मेजरेबल हैं और जिनको हम मेजर करेंगे वो ईसी, पीएच और नाइट्रेट होंगे। इसके अलावा भी जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो मेजरेबल हैं, बट द मेथड इज़ वेरी कॉस्टली, राइट, एंड इट इज़ नॉट हैंडी। इवन नाइट्रेट को मेजर करना इट इज़ वेरी कॉस्टली, बट एक बार अगर हम उस प्रिंसिपल को समझ जाएँ कि कितना नाइट्रेट से कैसा हमारा ग्रोथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है या उसका ईसी से क्या रिलेशन है, जो भी हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वो ईसी से कैसे रिलेट कर रहा है, एक बार हम उस रिलेशन को अगर समझ जाएंगे तो शायद धीरे धीरे वी कैन एलिमिनेट द यूज ऑफ नाइट्रेट स्ट्रिप्स ऑल्सो, राइट। बट उस उनको नाइट्रेट स्ट्रिप्स को स्पेशली हमें रखना चाहिए विंटर सीजन में और रेनी सीजन में, जबकि एनरोबिक कंडीशंस प्लांट में बन सकती हैं एंड वी कैन इवन टेस्ट नाइट्राइट का प्रेजेंस भी हम उन किट्स से मेजर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि नर्सरी रेजिंग में फर्टिगेशन की क्या भूमिका है। हम जैसे ही कोई खाद किसी सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो वह पानी का ईसी बढ़ाता है। ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी किसी भी सॉल्यूशन की करंट को पास करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। हम कोई भी खाद जब पानी में मिलाते हैं तो पानी की ईसी को बढ़ाता है। किसी भी सॉल्यूशन में कितना न्यूट्रिएंट्स है, कितनी खाद है, उसको हम केवल ईसी के टर्म्स में नाप सकते हैं। हम पानी में जितना अधिक खाद मिलाएंगे यानी सॉल्ट मिलाएंगे, हमारा पानी का ईसी उतना अधिक बढ़ेगा। हम यहाँ पर नर्सरी में
एक ज्ञात जो हमारा फर्टिलाइजर है कोई भी हो, चाहे वह 19-19 हो, 16-24 हो, कोई सा भी खाद हो, उसको जब हम पानी में मिलाएंगे तो वो हमारे पानी का ईसी और साथ ही साथ उसका जो नाइट्रेट कंटेंट है वो पानी में ऐड करेगा। यहाँ पर हमने एक ट्रायल को प्लेस किया गया है जो कि चिली की नर्सरी का ट्रायल है। ये चेक वाले पौधे हैं जिनमें कि हमने शुरुआत से कोई भी खाद नहीं डाली, जिसमें सादे पानी का इरीगेशन चलता है। ये ईसी 0.2 जो आप देख रहे हैं, यह 0.2 ईसी का डिफरेंस है, यानी कि हमारे सादे पानी में यदि हमारा ईसी 0.7 है तो इसमें हमने 0.9 ईसी वाले पानी का फर्टिगेशन किया, यानी कि उसमें खाद की मात्रा 0.2 ईसी की थी। उसी प्रकार ये 0.4 ईसी वाले फर्टिगेशन वाली नर्सरी है, यानी कि यदि हमारे सादे पानी का ईसी 0.7 है तो इस नर्सरी में जो हमने फर्टिगेशन किया उस पानी का ईसी हमारा 1.1 था। उसी प्रकार 0.6 डिफरेंस वाला ईसी वाली नर्सरी, उसी प्रकार 0.8 डिफरेंस, उसी प्रकार 1 डिफरेंस, यानी कि उसमें हमने 1.7 वाली फर्टिगेशन वाले वाटर का इरिगेशन किया। तो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने फर्टिगेशन वाले पानी में खाद की मात्रा को बढ़ाया उसी प्रकार हमारी ग्रोथ भी इंक्रीज होती चली गई, साथ ही साथ पौधे की गर्द और उसके हार्डीनेस में भी अंतर दिख रहा है। यहाँ पर हमने चिली की नर्सरी रखी हुई है, ये चेक का पौधा है, ये ईसी डिफरेंस 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड लास्ट वन 1 डिफरेंस। एक ही दिन सोइंग होने के बावजूद भी आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि चेक वाला पौधा कितना छोटा है और उसका जो गर्थ है स्टेम का वो भी बहुत पतला है, जो कि खाद बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होता गया है। और ये लास्ट जो 1 ईसी डिफरेंस वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसका स्टेम की गर्थ चेक वाले से बहुत ज़्यादा है। बैंगन की नर्सरी में देखें यदि ये चेक वाले पौधे हैं, ये ईसी डिफरेंस 0.2 वाले पौधे, उसी प्रकार ईसी डिफरेंस 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1 डिफरेंस वाले पौधे, तो यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि जिनमें ज़्यादा खाद डाली गई थी वो पौधे कितने विग्रस और बड़े हुए हैं। यदि हम ईसी का असर यानी कि खाद का असर बैंगन की नर्सरी में देखें तो यह नर्सरी 30 दिन पुरानी है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चेक वाला पौधा है ये 0.2 डिफरेंस वाला पौधा है, 0.4 ईसी डिफरेंस, 0.6, 0.8 एंड 1 ईसी डिफरेंस वाले पौधे रखे गए हैं। चेक वाले पौधे में हम क्लियर कट देख सकते हैं कि उसकी हाइट और स्टेम की गर्द बहुत पतली रह गई है। जैसे जैसे हमने मीडिया में फर्टिगेशन किया उस हिसाब से हम देखें तो जो इंक्रीज हुआ ईसी है उसके पौधे की हाइट और स्टेम की गर्द, रूट ग्रोथ और पौधे का जो हार्डीनेस है वो बहुत अच्छा है। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ईसी को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो प्लांट का जो हेल्थ है, प्लांट ग्रोथ है, वो अच्छा होता जा रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। बट इससे हम ये इन्फर नहीं कर सकते कि हमें 0.8 या 0.6 ईसी डिफरेंस से प्लांट को इरिगेट करना चाहिए। जो ईसी का डिफरेंस है वो प्लांट की एज को लेके इंक्रीज होगा, प्लस उसका डिसीजन जो है प्लांट की एज प्लस वेदर, या वो समर्स हैं कितने नंबर ऑफ़ इरिगेशन है पर डे, विंटर्स है तो नंबर ऑफ़ इरिगेशंस पर डे डिक्रीज़ हो रहे हैं, अगर सेम रेनी सीजन में नंबर ऑफ़ इरिगेशंस पर डे लेस हैं। तो ईसी को सेट करने का जो प्रिंसिपल है वो प्योरली प्लांट एज के साथ डिफर करेगा, प्लस जो वेदर है उसको लेके डिफर करेगा। आज हम देखेंगे कि हमारे इरिगेशन वाटर के पीएच का हमारी नर्सरी रेजिंग में प्लांट की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है। पीएच का मतलब है पानी कितना अम्लीय है यानी एसिडिक है, और यानी कितना क्षारीय है। पीएच की बात करें तो फर्टिगेशन वाटर का पीएच डायरेक्टली हमारे जो न्यूट्रिएंट अपटेक को प्रभावित करता है। न्यूट्रिएंट्स का जो अपटेक होता है वह पीएच पर डिपेंड होता है कि किस पीएच रेंज पर कौन सा न्यूट्रिएंट कितना अवेलेबल है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। एक ट्रायल लगाया गया है यहाँ पर जो कि ब्रिंजल पर लगाया गया है। ये बैंगन की नर्सरी करीब 1 महीना पुरानी है, इसमें हमने जो भी पानी डाला उसका पीएच 2 था। इस बैंगन की नर्सरी में हमने जो भी पानी डाला उसका पीएच 4 था। इस नर्सरी के इरिगेशन वाटर का पीएच 6 था
ये चेक था, यानी कि जो हमारे सादे पानी का पीएच हमारी यूनिट पर है वो करीब अभी 6.5 से लेकर के 6.8 तक है। इस नर्सरी में जो पानी डाला उसका पीएच 8 था, जो कि हमने लाइम से मैनेज किया था। इस नर्सरी में पीएच 10 था। यदि हम ग्रोथ की बात करें तो पीएच 2 में हम देखेंगे ग्रोथ बहुत कम है। जैसे जैसे एसिडिक की तरफ से हम बेसिक की तरफ को जाने लगते हैं उसी प्रकार हमारा ग्रोथ भी इंक्रीज होने लगता है। पीएच 6 वाले इरिगेशन वाटर की जो नर्सरी है उसकी ग्रोथ बहुत अधिक बढ़ चुकी है। चेक यानी कि 6.5 और 7 के करीब जो हमारे पानी का पीएच है, यहाँ पर 8 और 10 पीएच हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही हमारा जो पौधे की ग्रोथ है वो चेक यानी कि 6.5 7 से ऊपर जाने लगी, उसकी ग्रोथ बहुत कम होने लगी। ग्रीननेस की बात करें, सबसे ज़्यादा ग्रीन नर्सरी हमारी चेक की है जिस पानी का पीएच 6.5 से लेकर के 6.8 तक था। ये चिली की नर्सरी है जो कि 30 दिन पुरानी है। 2 पीएच, ये 4 पीएच, जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है। पीएच 6 चेक यानी कि यहाँ पे का जो नॉर्मल पानी है उसका पीएच 6.8 करीब है, तो ये 6.8 वाली नर्सरी है। 8 धीरे धीरे बेसिक की तरफ गई है, 8 पीएच, देन 10 पीएच। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही पीएच अपना 4 से ऊपर होना चालू हुआ है और चेक तक आते आते ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है पौधों की। जैसे ही पीएच चेक से 8 और 8 से नीचे जाने लगा है वैसे ही पौधों की जो ग्रोथ है वो एकदम से डिक्रीज हो गई है। तो जो पीएच की रेंज होनी चाहिए हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि 5.5 से लेकर के करीब 6.8 जो कि चेक तक है 7 तक, यहाँ तक होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ट्रायल प्लेस किया गया है, ये चिली की नर्सरी है जो 30 दिन पुरानी है। ये 2 पीएच वाली नर्सरी है, 4, 6 चेक यानी जो नॉर्मल पानी में हमारे यहाँ पे पीएच है यानी 6.5 और 7 आता है अभी, 8 पीएच और 10 पीएच। तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हैं कि जैसे ही पीएच हमारा 6 से बढ़ना चालू हुआ वैसे ही हमारी नर्सरी अच्छी ग्रोथ होने लगी, रूट ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही पीएच हमारा चेक के बाद यानी 7 के बाद धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ, बेसिक की तरफ जाने लगा, हमारी नर्सरी की ग्रोथ कमजोर होने लगी। 10 पे आप देख सकते हैं कि ग्रोथ 8 से कम है। सबसे अच्छी ग्रोथ यहाँ पे चेक की है यानी जो 6.5 पीएच वाला पानी है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो हमको कहीं भी पीएच की रेंज अपनी 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच में रखनी चाहिए ताकि हम नर्सरी की अच्छी क्वालिटी प्राप्त कर सकें। यदि हम बैंगन की नर्सरी में पीएच की बात करें तो हमने इस पौधे में 2 पीएच के इरिगेशन वाटर से इरिगेशन किया है, इसमें 4, 6 चेक यानी कि 6.5, 7 यहाँ पे हमारा शो होता है पानी का पीएच, 8 एंड 10। एक ही उम्र के होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो 6 और चेक के बीच में है ग्रोथ वो बहुत अच्छी ग्रोथ है पौधे की, उसके बाद ग्रोथ गिरना चालू हुई है। तो हमको अपना पीएच रेंज हमेशा एसिडिक के बीच में ही रखना चाहिए यानी कि 5.5 से लेकर के चेक यानी 6.5 और 7 के बीच में रखना चाहिए। इरिगेशन करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें, या फर्टिगेशन करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो यही है कि जब तक हमारा मीडिया ड्राई नहीं होगा तब तक हमें उसको वापस से इरिगेट नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि जब मीडिया ड्राई होगा तो जितने भी स्पेसेस हैं जो वाटर ने लिए हैं वहाँ पे एयर आएगी और रूट कैन रेस्पायर, देर विल बी एरोबिक कंडीशंस, जो है एरोबिक कंडीशंस बनी रहेंगी प्लांट में। इस चीज़ को हम हमेशा अवॉइड करेंगे कि रेनी सीजन में हम देख रहे हैं कि हमने आज फर्टिलाइजर अप्लाई किया उसके बाद नर्सरी जो है हमारी नेट हाउस में पड़ी है, बार बार ड्रेंच हो रहा है उससे फर्टिलाइजर, और हम ये सोच के कि हम उसको फर्टिलाइजर नहीं दे पा रहे, हम वेट कोकोपीट पे ही या वेट मीडिया पे ही दोबारा से फर्टिलाइजर वाला वाटर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हमें अवॉइड करना है। इस बात को इरिगेशन करते हुए ध्यान रखेंगे कि जब भी हम पानी दे रहे हैं, फर्टिगेट कर रहे हैं या इरिगेट कर रहे हैं, तो जितने भी एयर स्पेसेस हैं हम उनको वाटर से
फिल कर रहे हैं, और जो है हम एनरोबिक कंडीशन प्लांट के लिए बना रहे हैं। एनरोबिक कंडीशंस होंगी तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, प्लांट रूट्स रॉट कर सकती हैं विंटर्स और रेनी सीजन का अगर टाइम है। प्लस हर समय जो मीडिया है अगर वो गीला रहेगा तो जो रूट ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर होगी। ये हम सभी जानते हैं कि जो डेजर्ट एरियाज या ऐसी जगह में पौधे होते हैं, प्लांट का जो रूट्स हैं वो पानी को खोजने के लिए हमेशा नीचे जाती हैं। अगर हम उसको हर समय सैचुरेटेड रखेंगे वाटर से तो प्लांट में ऐसे सिग्नल ही नहीं प्रोड्यूस होंगे, ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए कि रूट ग्रोथ हो। तो जब भी हम उसको वो ड्राई स्पेल दे रहे हैं तो प्लांट को एक समय मिल रहा है कि वो, या एक सिग्नल मिल रहा है कि उसको अपना रूट का ग्रोथ करना है नीचे पानी ढूंढने के लिए। इसको कभी भी एक सेल है, किसी भी ट्रे की हम बात करें, कोई भी सेल है, तो हम अभी ऊपर से देख के उसको पानी देते हैं कि अगर वो ऊपर सूख गया है, बट ऐसा नहीं है। जो नीचे का कोकोपीट है वो मैक्सिमम कंडीशंस में ड्राई है, क्योंकि ऊपर से सूखते हुए नीचे सूख रहा है कोकोपीट, या जो भी मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं वो ऊपर से सूखते हुए नीचे सूख रहा है। तो शायद अगर हम ऊपर का मीडिया देख के डिसीजन ले रहे हैं तो नीचे का जो पार्ट है राइट, उसको हम बार बार गीला कर रहे हैं, वो बार बार हर समय वो गीला रह रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस बनी हुई हैं। और नीचे का पार्ट हर समय गीला रहेगा तो प्लांट का जो रूट्स है वो नीचे पेनिट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको वही पानी मिल जाएगा तो रूट ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होगी। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जब भी हम पानी दे रहे हैं किसी भी प्लग ट्रे में, तो ऊपर का पोर्शन या ऊपर का मीडिया जरूर सूख रहा है बट नीचे का गीला है। प्लग ट्रेज में हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम प्लग को निकाल कर देख सकते हैं मीडिया कि वो सूखा या गीला है। तो जो भी पर्सन इरिगेट कर रहा है प्लांट को, वो रैंडमली कुछ प्लांट्स निकाल के ही कैन इवन सी कि जो नीचे का मीडिया है वो सूखा है या नहीं सूखा। इसको सैचुरेटेड जोन बोलते हैं कि प्लग ट्रेज में हर समय जो नीचे का एरिया है वो गीला ही रह रहा है। तो जनरली आप कई बार निकालेंगे तो वो वहाँ पे ब्राउनिंग भी दिखेगी और रॉटिंग भी दिखेगी रूट्स की। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनारोबिक कंडीशंस। जो एनारोबिक कंडीशंस बनी हैं उसकी वजह से जब भी हम फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, और जो रूट्स के टिप्स हैं, रूट्स हमेशा ऊपर से नीचे बढ़ रही हैं, तो नीचे की तरफ जो भी रूट के टिप्स हैं वो सबसे सॉफ्ट टिश्यू है प्लांट का, सबसे यंग और सॉफ्ट टिश्यू है, तो सॉल्ट इंजरी के चांसेस उसमें सबसे ज़्यादा है। तो जब हम निकालते हैं तो देखते हैं वो ब्राउनिंग है नीचे रूट टिप्स में। तो उसका ये एक रीज़न है कि जो नीचे का जोन है सैचुरेटेड जोन हर समय गीला है, वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस हैं, जितना भी नाइट्रेट है फर्टिलाइजर में वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होकर सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं रूट्स के उनको डैमेज कर रहा है, तो वो डैमेज हमें ब्राउन रूट्स की फॉर्म में दिखाई देता है। देन हम कोकोपीट के कलर को देख के इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या डिसीजंस ले सकते हैं कि कब हमें नर्सरी को इरिगेट करना। इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड, ये एज नर्सरी के एज के साथ डिफर होगा। इस डायग्राम को देखें तो ये 1 to 5 मॉइस्चर स्केल इसको बोलते हैं। जो भी लोग नर्सरी कर रहे हैं उन्होंने ये कंडीशन अपनी नर्सरी में देखी होगी। 5 से जाएं तो जैसे ही हम प्लांट को इरिगेट करते हैं वो सैचुरेटेड है, जब पानी ड्रिप कर रहा है, फील्ड कैपेसिटी पे नहीं है, सैचुरेटेड है, तो इस तरीके से एक शाइनी लेयर हमें वाटर की मीडिया के ऊपर दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड स्टेज 5 ऑफ मॉइस्चर। उसके बाद जब स्लोली लीच आउट हो गया है वाटर जो हमने अप्लाई किया है और मीडिया फील्ड कैपेसिटी पे आ गया है, तो इस तरीके से हमें ये मॉइस्चर का जो स्केल है वो दिखाई देता है, मॉइस्चर कंडीशन। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि 5th स्टेज में हमने फ्रेशली इरीगेट किया है तो हमें एक वाटर की शाइनी लेयर मीडिया पे दिखाई देती है। उसके बाद 3rd स्टेज, 2nd स्टेज एंड जैसे जैसे मॉइस्चर मीडिया लूज करता जा रहा है, एंड डेफिनेटली देन 1st स्टेज आती है, जिसमें कई बार देखा होगा ये डिस्टिंक्ट इस तरीके से देख सकते हैं कि जो कोकोपीट है वो वॉल्स है जो कंटेनर का उसको छोड़ने लगता है, इस तरीके का डिस्टेंस जो है इसमें दिखाई देता है। तो इस समय पे कोई भी पानी अवेलेबल नहीं है और मीडिया पूरी तरीके से सूख गया है। इनफैक्ट स्टेज 2nd में भी ये डार्क दिख रहा है, बट जो भी मॉइस्चर है
वो कंटेन्ड है मीडिया में और वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, अगर हमने आज जर्मिनेशन रूम से ट्रे को निकाला है और उसके अंदर सीड्स हैं जो जर्मिनेटेड हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो बहुत ड्राई हो मीडिया, राइट, और जो उसमें रेडिकल है वो डेसिकेट हो। तो कभी भी मैं, अगर मेरे मीडिया के अंदर अभी अभी जर्मिनेटेड सीड है और मैंने अभी जर्मिनेशन रूम से उसको निकाला है, तो कभी भी मैं मॉइस्चर जो है वो लेवल 3 से नीचे नहीं लेके जाऊँगी। उसके बाद कुछ 6 से 7 दिन तक इस स्टेज पे रहेगा, इस मॉइस्चर स्टेज पे हम रखेंगे। देन फर्स्ट 2 लीफ जब निकलती है और प्लांट थोड़ा सा स्टैब्लिश होगा, अगर समर्स में बात करें ब्रिंजल की, तो करीब 14 डेज में या 15 डेज में उसका रूट थोड़ा सा स्टैब्लिश होता है और उसको हम सेकेंड मॉइस्चर स्टेज पर ले जाते हैं। अगर 15-18 डेज में जब मैंने उसको थर्ड मॉइस्चर स्केल से सेकेंड पे ले गई हूँ मैं, तो डेफिनेटली उसका रूट सिस्टम स्टैब्लिश हो रहा है, राइट। तो हमें जब भी ये, उसके बाद उसकी पूरी लाइफ प्लांट की, जब भी ये मॉइस्चर स्टेज आ रही है तभी मैं उसको इरिगेट कर रही हूँ, इससे पहले नहीं। तो मैं उसको ड्राई होने का मौका दे रही हूँ बार बार। जब हम ग्राफ्टेड प्लांट की बात करते हैं या फिर अगर नॉन ग्राफ्टेड की बात, ग्राफ्टेड इसलिए क्योंकि उसका एज ज़्यादा है, 35-40 डेज उसका एज है, और अगर नॉन ग्राफ्टेड की बात करें तो कहीं भी जो सीडलिंग्स हैं वो 30-35 बहुत ओल्ड हो गए हैं। बहुत ओल्ड अगर सीडलिंग्स हैं, राइट, 35-40 डेज ओल्ड, तो हम उसको फर्स्ट स्केल तक भी ले जाते हैं मॉइस्चर के, क्योंकि जो मैक्सिमम मास है वो रूट का रह गया मीडियम, राइट, निकालेंगे तो रूट का जो मास है बहुत ज़्यादा है मीडियम में, तो वो ज़्यादा इरिगेटेड रहेगा बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो वो ड्राई नहीं हो पाता है और कई डैम्पिंग ऑफ या इस तरीके के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसको रेफर करके शायद हम इरिगेशन के डिसीजंस ले सकते हैं। इरिगेशन और फर्टिगेशन क्वालिटी नर्सरी मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इरिगेशन करने का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि जब पौधे को पानी की आवश्यकता हो उसी टाइम हम उसको पानी दें। इसका मतलब जब हमारा मीडिया सूख जाए हमको उस टाइम पे इरिगेशन करना चाहिए, ना कि हम एक शेड्यूल बना दें कि हमको डेली सुबह पानी चलाना है। जब हम वेजिटेबल की नर्सरी ग्रो करते हैं तो उस समय हमको इरिगेशन किस सिचुएशन पे करना चाहिए या इरिगेशन कब करना चाहिए, आज उसके बारे में जानेंगे। इरिगेशन की सिचुएशन को हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे जब पौधा इमर्ज नहीं हुआ हो, पहले चरण में देखें जब कोकोपीट से बाहर इमर्जेंस नहीं हुआ है बीज का, उस समय हमको कोकोपीट को थोड़ा सा भी सूखने पर लाइट इरिगेशन इसको देना है, क्योंकि हमारा जो बीज है वो करीब कोकोपीट से 1-1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर है। यदि हम इसको इरिगेशन नहीं देंगे तो ऊपरी सतह एकदम सूख जाने के कारण सीड डेसिकेट हो जाएगा, जिससे कि इमरजेंस आने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि पौधे इमरजेंस होना चालू हुआ है, उस कंडीशन में इरिगेशन कब किया जाना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। इस अवस्था के पौधों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनकी जड़ नीचे तक पहुँच चुकी है, जहाँ पर कोकोपीट गीला है। कोकोपीट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कोकोपीट ऊपर से सूखा दिख रहा है परंतु निचली सतह पर यह गीला है। तो ऐसी कंडीशन में कोकोपीट के इतने मॉइस्चर लेवल पर हमको इरिगेशन करना चाहिए। यदि बात करें तीसरे चरण की, जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनका रूट सिस्टम आप देखेंगे कि बिल्कुल ट्रे के नीचे तक बिल्कुल फैल चुका है। आप देख सकते हैं कि कोकोपीट के ऊपर की सतह सूखी दिख रही है परंतु नीचे गीला है। तो ऐसी कंडीशन में हम कोकोपीट को पूरे सूखने का इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद इसमें इरिगेशन कर सकते हैं। चिली की नर्सरी है 2 लीफ स्टेज में, कुछ सेल सूखे हैं परंतु पौधा बिल्कुल भी नहीं मुरझा रहा है अभी, तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि कलर के बेसिस पे कलर 2 मॉइस्चर स्केल के लेवल पर है ये। जब हम नर्सरी में इरिगेशन करते हैं तो हमें एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि एक ही ट्रे में कुछ सेल तो सूखे हैं जिनको कि इरिगेशन की आवश्यकता है, परंतु उसी के साथ दूसरे सेल ऐसे हैं जो कि गीले हैं। यदि ऐसी कंडीशन में मैं इरिगेशन करने का डिसीजन करता हूँ तो जो सेल सूखे हैं वे तो गीले हो जाएंगे, परंतु जो सेल पहले से गीले हैं उनमें ओवर इरिगेशन हो जाएगा,
जिससे कि हमेशा गीले रहने की वजह से पौधे की ग्रोथ में कमी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम अभी केवल उन्हीं सेल्स में पानी देंगे जो सूखे हुए हैं, ताकि थोड़ी समय बाद दोनों सेल एक ही मॉइस्चर लेवल पर आ जाएं और हम पूरी ट्रे में एक साथ इरिगेशन कर पाएं। थोड़ी देर बाद नर्सरी जब यूनिफॉर्म सूख जाएगी उसके बाद हम उसमें इरिगेशन करेंगे। यदि हम बात करें 15 से 20 दिन की नर्सरी जो कि लगभग 4 से 5 पत्तों वाली होती है, उसमें कब इरिगेशन करना चाहिए, तो इस ट्रे का मीडिया लगभग पूरा सूख चुका है और इसके कुछ कुछ पौधे मुरझाने लगे हैं। इस उम्र के पौधों की जड़ें लगभग सेल के नीचे तक पहुंच चुकी होती हैं, जहां पर कोकोपीट में थोड़ा बहुत मॉइस्चर उपलब्ध होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इस उम्र की नर्सरी को इस स्थिति तक में सूखने का इंतजार कर सकते हैं और उसके बाद इसमें इरिगेशन कर सकते हैं। परंतु यदि हम नर्सरी की बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम कर रहे हों तो ऐसी स्थिति आने से पहले ही हमको इरिगेशन चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी ट्रे में इरिगेशन करने में बहुत समय लग सकता है और जिससे कि पौधे मुरझा के मर सकते हैं।